तो देखिए लास्ट टाइम मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है, कि वोल्टेज और करंट आपके ट्रैवलिंग वेव की तरह होते हैं। एक बार जरा देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरा सोर्स है, आज मैं इसमें ट्रांजिएंट भी करवा दूंगा आपको, ठीक है, ये मेरा सोर्स है और यहां मेरा लोड है, यहां मेरा लोड है, ये मेरा लोड है। अब सुनिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये सोर्स लगाया यहां पे और यहां से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा था, यहां पे x इक्वल टू 0 था, यहां पे x इक्वल टू l था, तो यहां से जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ x, टाइम को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैंने बताया वो इस तरह का था, v प्लस e की पावर माइनस गामा x प्लस v माइनस e पावर गामा x, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास बना था। अब सुनिए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया और हमने यहां से एक रिलेशन निकाली थी, क्या हमने रिलेशन निकाली थी वी एस आई एस सी, और आप याद है ये था कोस हाइपरबोलिक गामा गामा एल, गामा एल है जी वी आर प्लस वन बाई जेड सी जेड सी ZC गामा एल इनटू अल्फा। अब सुनो, अभी याद रखना मेरे लिए आसान है, इधर वोल्टेज का वो है डायमेंशन वोल्टेज की, तो यहां पे वोल्टेज की डायमेंशन होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पे ZC नहीं लगाया, कंफ्यूजन ये रहेगा ना ZC कहां आएगा। दूसरा, यहां पे करंट की डायमेंशन है तो ZC नीचे नहीं आएगा, ZC ऊपर आएगा, और पहले वाले के साथ कोसाइन आएगा यहाँ, ठीक है, पहले वाले के साथ कोसाइन आएगा, ठीक है, तो दूसरा फिर क्या बनेगा, वन बाई जेड सी बनेगा यहाँ पे, और वी आर बनेगा, क्योंकि तभी तो करंट बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बता देना, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक गामा प्लस कोस हाइपरबोलिक गामा, ठीक है, कुछ इस तरह का है जी, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया था, इससे हमारा मैट्रिक्स वगैरह बन गया था, ठीक है, तो इससे एबीसीडी आ गए, ठीक है, इससे एबीसीडी आ गए थे। अगर एक बार एबीसीडी आ जाए तो मैं इसका इक्विवेलेंट टी और इक्विवेलेंट पाई रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि इक्विवेलेंट पाई का और इक्विवेलेंट टी का मुझे एबीसीडी पैरामीटर पता होता है वाई जेड की टर्म, और इसका भी एबीसीडी आ गया, तो मैं कंपेयर करके और इक्विवेलेंट टी एंड वाई में इसको रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है भाई, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। एक और चीज देखिए, हमने बताया था कि ZC जो था वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, और उसकी वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा, और गामा क्या था, गामा वाज रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, और इसका आधा एक रियल पार्ट पर एक क्या था, एक आपका अटेंडेशन कॉन्स्टेंट था, दूसरा आपका फेज कॉन्स्टेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं आगे बढ़ूं यहां से तो जरा देखते हैं क्या मिलता है, मैं रख कर दू इसको, रख कर दू, ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं इधर से चल रहा हूं इधर की तरफ, तो क्या एक्सप्रेशन में बदल रहा है, अगर मैं बोलूं मैं इधर से इधर, अभी आप सोर्स एंड से लोड एंड की तरफ जा रहे हैं, अगर मैं लोड एंड से सोर्स एंड की तरफ आऊं तो फिर क्या बदलाव आ जाएगा, हाँ एक्स की जगह माइनस एक्स, मतलब जो रिलेशन है मेरी वो क्या बनेगी, वी एल इक्वल टू वी प्लस ई की पावर गामा एल हो जाएगा, एल मैं यहां से इधर ले गया, एल मेरा इधर, ठीक है, तो वी एल इक्वल टू की पावर गामा एल, वी प्लस की पावर गामा एल माइनस नहीं प्लस वी माइनस की पावर माइनस का, बस ये फर्क होता है, अगर मैं इधर से इधर चलूंगा, ठीक है,
क्योंकि इधर से इधर मेरी वोल्टेज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ये बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सी है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग है, ये बैकवर्ड ट्रैवलिंग है। अब सुनो मेरी बात, इसी तरह अगर मैं आई एल निकालू तो क्या बनेगा, वी प्लस वाई जेड सी ई की पावर गामा एल माइनस वी माइनस वाई जेड सी ई की पावर गामा एल। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, देख लो एक बार किसी को डाउट है तो, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखो यहां से लिख सकता हूं वी प्लस ई की पावर गामा एल माइनस वी माइनस ई पावर माइनस गामा एल इक्वल टू जेड सी इंटू आई, जेड सी इंटू आई, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात और बताइएगा, हाँ जी, अगर मैं इनका रेशियो निकालू तो मेरे पास जेड आ जाएगा इंपीडेंस एट एनी लेंथ एल, क्या करें इंपीडेंस सीन फ्रॉम एट एनी लेंथ एल, जरा देखें, अगर मैं बी एल अपॉन आई एल करूं तो जेड आएगा मेरे पास एट एनी लेंथ एल, एल लेंथ से इधर की तरफ का कितना इंपीडेंस नजर आएगा मुझे वो पता चल जाएगा, नहीं, क्योंकि एल लेंथ पे आपने क्या किया, बी एल निकाला, एल लेंथ पे आई एल निकाला और वी एल अपॉन आई एल कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो अगर मान लीजिए मैं इसका निकालू रेशियो तो क्या बनेगा वो बताएंगे तुरंत, वो बनेगा वी प्लस ई की पावर गामा एल प्लस वी माइनस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई वी प्लस, ऊपर जेड सी आ जाएगा मेरे ख्याल से, ई की पावर गामा एल माइनस वी माइनस ई की पावर माइनस गामा एल, एक बार चेक कर लेंगे इसको आज नहीं होती, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए ये क्या चीज है, इट इज द इंपीडेंस एट एनी लेंथ एल, और उधर का इंपीडेंस है, एल लेंथ से उधर का इंपीडेंस आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए मैं फर्दर आगे चल रहा हूं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूंगा तो क्या बनेगा, एक काम करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं, वी प्लस ई बार गामा एल ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा बता देगा, ये बनेगा जेड सी इंटू वन प्लस वी माइनस ओवर वी प्लस e की पावर माइनस टू गामा एल डिवाइड बाई वन माइनस वी माइनस ओवर वी प्लस e की पावर माइनस टू गामा एल, ठीक है जी। और ये क्या चीज है, अगर मैं इसको इसके ऊपर गौर फरमाऊं तो दिस इज वी माइनस e की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई वी प्लस e की पावर गामा एल, कुछ इस तरह का था। और इसको मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्योंकि आप खुद सोचो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइड बाय इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव यानी बैकवर्ड वेव, बैकवर्ड वेव डिवाइड बाय फॉरवर्ड वेव, जो बैकवर्ड वेव आती है वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट होगी तो आएगी। जरा देखो कुछ वेव यहां पे गई, जैसे आप स्विच ऑन करोगे सुनो उस इंसिडेंट में क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करते हो उस टाइम बैकवर्ड एब्सेंट होती है, उस टाइम केवल कौन सी वेव होती है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव होती है। अब फॉरवर्ड यहां पे पहुंचेगी उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ क्या होगी बैकवर्ड आएगी, तो इसका मतलब जो बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव होती है वो तो स्टेडी स्टेट फिनोमेना है, वो आपका एकदम से नहीं आता, कुछ देर बाद आता है वो, समझ रहे हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद आएगा, क्या कहते हो। और ये जो चीज है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव या बैकवर्ड वेव डिवाइड बाई फॉरवर्ड वेव इंसिडेंट वेव, इसका मतलब इसलिए इसको क्या नाम दूंगा मैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और ये एट एनी लेंथ एल पे, एट एनी लेंथ एल बैकवर्ड डिवाइड बाई फॉरवर्ड है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी लेंथ एल। अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं एल को तो इसका मतलब मैं कहां पे हूं, एल इक्वल टू जीरो करते हैं यहां पे, यहां पे एल इक्वल टू जीरो, देखो अब मैं एल इधर से इधर ले रहा हूं, ये पुराना भूल जाओ, एक्स नहीं ले रहा हूं, अब मैं एल ले रहा हूं, यहां पे एल इक्वल टू जीरो है और यहां पे एल इक्वल टू एल, एल नॉट मान लो या कुछ भी जो भी है एल मान लो, ठीक है, एल नॉट मान लो। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी लेंथ एल आ गया, कि यहां यहां पे जो जो आपकी बैकवर्ड वेव है और जो फॉरवर्ड वेव है उनका रेशियो क्या है, ये वो चीज, ठीक है जी। अब मैंने बोला कि अगर मैं एल की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दूं तो ये चीज क्या बनेगी बताओ,
ये बनेगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड एंड, क्या कहते हैं फिर हम देगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड एंड, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, या फिर एक और नोटेशन होता है उसका इस तरह से, l इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा ना l इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूं दिस इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड एंड, ठीक है, और वो क्या आएगा 15 b माइनस 4 v प्लस, देख लीजिए v माइनस ओवर v प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यहां से अपना एनालिसिस देख लो तो आप इस साइड की वेव को फॉरवर्ड फॉरवर्ड मान के कर रहे हो ना, डायरेक्शन में हमने इक्वेशन में भी चेंज करा था हमने स्टार्टिंग ना, ये तो फॉरवर्ड उधर ही है, वरना अब जो मेरा इक्वेशन है उसको ओरिजिन इधर से नहीं ले रहा हूं, ओरिजिन इधर से और इधर चल रहा हूं, मतलब वेव उधर ही है, फॉरवर्ड वेव उधर ही है, बैकवर्ड उधर, बस मैंने एक्स को वेरी कर दिया वेरिएबल, मैंने डायरेक्शन बदल दी उसकी, अरे इधर से इधर बढ़ रहा था इधर से इधर बढ़ रहा, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि फॉरवर्ड ये नहीं है, फॉरवर्ड वही है अभी, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये आ गया मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा एल। अब मुझे एक बात और बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन को देखो ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूं ध्यान से सुनना, और अगर मैं इसमें एल की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा, बदल इंपीडेंस एट लोड एंड विच इज जेड एल, विच इज जेड एल लोड इंपीडेंस जेड एल, ठीक है, क्या कहते हैं अगर इस इक्वेशन में एल की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो जरा देखो क्या बनेगा, ये बनेगा जेड एल इज इक्वल टू जेड सी इंटू क्या बनेगा v प्लस प्लस v माइनस डिवाइड बाई माइनस v माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैं v प्लस कॉमन ले लेता हूं तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा zl इज इक्वल टू zc इनटू 1 प्लस v माइनस ओवर v प्लस डिवाइड बाय 1 माइनस v माइनस ओवर v प्लस, सही है, ये मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है एट लोड एंड, तो मैं यहां से लिख सकता हूं zl इज इक्वल टू zc इनटू 1 प्लस गामा l डिवाइड बाय 1 माइनस गामा l, अब यहां से गामा l निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, गामा l क्या है, गामा l क्या आएगा बता जरा, गामा l इज इक्वल टू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा zl माइनस zc डिवाइड बाय zl प्लस zc, लोड एंड पे कितना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा, लोड एंड पे क्या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा वो, ठीक है, लोड एंड पे मतलब यहां पे कितना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा, कितनी वेव मेरी रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाला सर नॉट रिफ्लेक्ट होगी वो लिखा था, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाला व्हिच इज v माइनस ओवर मैंने इनका रेशियो निकाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज थी v माइनस ओवर v प्लस, आगे बढ़ सकते हैं। अब जरा देखिए इसमें अगर मैं यहां पे v माइनस ओवर v प्लस की वैल्यू पुट कर दूं विच इज दिस तो क्या बनेगा ये एक्सप्रेशन, अब देखिए मैं v माइनस ओवर v प्लस की वैल्यू आई मेरे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की, तो यहां पे v माइनस ओवर v प्लस है ना, उसमें अगर मैं ये पुट कर दूं तो क्या बनेगा, जरा देखें देखें भाई रब कर दूं इसको, इसको रब कर दूं तो चलिए अब जरा इसको रब कर रहा हूं इसको इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं जरा देखना क्या बनेगा, ये बनेगा zl at impedance at any length l is equal to zc 1 plus, इसकी जगह पे तो पुट कर सकता हूं ना, सिर्फ इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूं, क्या क्या बनेगा zl minus zc divided by zl plus zc into e की पावर minus 2 gamma l divided by 1 minus zl minus zc divided by zl plus zc e की पावर माइनस टू गामा, एक बार देखो कोई मिस्टेक है तो कोई गड़बड़ है तो, ठीक है, अब जरा देखो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो बनेगा zc इनटू क्या बनेगा zl प्लस zc प्लस zl माइनस zc e की पावर माइनस टू गामा है डिवाइड बाय zl प्लस zc माइनस zl माइनस zc e की पावर माइनस टू का, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, और मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं जरा देखिएगा, अब देखना ये इससे एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आई थी zl प्लस zc e की पावर गामा l प्लस zl माइनस zc e की पावर माइनस गामा l
एक बार चेक करो सही लिखा है डिवाइड बाई जेड एल प्लस एल सी एक बार गामा एल माइनस एक बार देखो सही लिखा है माइनस टू का माइनस गामा बेसिकली मैंने क्या किया मैंने कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे से क्या एक बार माइनस गामा तो यहाँ पे प्लस बन गया यहाँ पे एक रह गया ठीक है अब जेड एल का कोफिशिएंट देखिए ध्यान से और जेड सी का कोफिशिएंट देखिए ध्यान से मेरे ख्याल से कोस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो बताओ इम्पीडेंस सीन एट एनी लेंथ एल क्या बनेगा इम्पीडेंस सीन एट एनी लेंथ एल आगे का इम्पीडेंस कितना नजर आएगा वो आएगा जेड सी इंटू बताओ अभी क्या बना यहाँ पे जेड एल जेड एल का कोफिशिएंट बताओ क्या है एक ही बार गामा एल प्लस एक ही बार माइनस गामा एल डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू कर दो तो टू कोस क्या बनना चाहिए लेकिन साइन में भी टू बनेगा नीचे भी टू बनेगा तो टू तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा सिंपली क्या बनेगा बता जरा जेड एल कोस हाइपरबोलिक गामा एल माइनस माइनस की प्लस आई थिंक प्लस आएगा प्लस जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा डिवाइड बाई जेड एल साइन हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आएगा माइनस आएगा साइन में बदल जाएगा प्लस जेड सी कोस हाइपरबोलिक चेक कर लो ठीक है जी और ये क्या चीज आई बताओ हमारे पास ये क्या चीज है इट इज द इम्पीडेंस सीन फ्रॉम एन लेंथ एल कोई भी एल लेंथ है उससे आगे और ये एल लेंथ किधर से है रिसीविंग एंड से और इम्पीडेंस किधर का ये इधर का सीन नहीं है उस यहां से अगर मैं एल लेंथ में आ जाऊं तो इससे पीछे का इम्पीडेंस किधर नजर आएगा मुझे ये इक्वलिटी इम्पीडेंस है जैसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं करते थे आप भाई इधर से दूसरी साइड से तो एक तरह से एफर्ट इम्पीडेंस है कि यहां से देखने से कितना नजर आएगा आगे ये वो चीज है कोई दिक्कत है बताइए ठीक है परेशान तो नहीं यहां तक ठीक है तो इम्पीडेंस कितना नजर आएगा एट एनी लेंथ एल वो हमें पता चला या आगे बढ़ सकते हैं ठीक है और एक मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड है वो ये है जेड एल माइनस जेड सी डिवाइड बाय जेड एल प्लस एफ सी अच्छा एक बात और बताओ जरा मैं जेड एल को रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की टर्म में लिख सकता हूं कैसे कैसे लिखूं बताओ मैं इसको लिख सकता हूं जेड सी इंटू वन प्लस ये क्या है बताओ दिस इज गामा एल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी लेंथ एल ये लोड एंड पे नहीं है लोड एंड पे होता तो क्या होता सिर्फ वी माइनस और वी प्लस होता ये तो एट एनी लेंथ एल अभी तो लिखा था रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय वन प्लस गामा माइनस वन माइनस समझ आ रही तो ये बनेगा मेरा जेड एल इसको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी लेंथ एल से लिख सकता हूं ठीक है तो लोड एट एनी लेंथ इंपीडेंस सीन एट एनी लेंथ एल फ्रॉम द रिसीविंग एंड इज इक्वल टू जेड सी इंटू वन प्लस गामा एल डिवाइड बाय वन माइनस गामा ठीक है अच्छा मुझे एक बात और बता जरा यहां से एक बात और एक जानकारी और दीजिए मुझे कि अगर यहां पे मैं एल की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा एल इक्वल टू जीरो से आगे कितना इंपीडेंस है लोड इंपीडेंस और यहां पे क्या बनेगा जेड सी इंटू वन प्लस गामा एल गामा सब एल वन माइनस गामा सब एल ये याद रहेगा देखो ये याद है क्या कर रहे हैं और उसके बाद देखो फॉर्मूले जुड़े हुए ठीक है अल्टीमेटली अब थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ठीक है इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं चलिए अभी तक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ठीक है मुझे लॉसलेस लाइन पढ़ानी है अभी ठीक है लॉसलेस लाइन एंड चार्ज इंपीडेंस लोडिंग वो सब आएगा अभी ठीक है तो इसी में आएगा वो आगे पढ़ेंगे ठीक है
रख कर दूं मैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा जो हमने डिराइव किए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, ठीक है, इम्पीडेंस एट एनी लेंथ एल कितना नजर आएगा, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है बट ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। देखते हैं, एक और चीज बताइए, जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव होती है उसको कितना इंपीडेंस नजर आता है, जेड सी, और बैकवर्ड को माइनस जेड सी। याद होगा मैंने करंट निकाला था, तो करंट कैसे निकाला था, वी प्लस बाई जेड सी किया था, वी माइनस बाई माइनस जेड सी। इसका फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव को जो इंपीडेंस नजर आता है वो जेड सी नजर आता है, और बैकवर्ड को माइनस जेड सी। अब किसी भी वेव को नेगेटिव इंपीडेंस नजर आने का क्या मतलब है, इसका मतलब वो पावर को बैक लेके आ रही है, ठीक है, इसलिए उसको रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई आप इमेजिन करो कि कोई टब भरा हुआ है पानी का और उसमें पानी शांत है एकदम, और अचानक से आपने कंकर डाल दिया उसमें, तो एक वेव उठती है, वो वेव आगे जाती है, पहले शुरू में पहले कोई रिफ्लेक्टेड नहीं होती, जैसे उसके सरफेस पे जैसे उसके वॉल तक पहुंचती है उसे टकराती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, कुछ तो एनर्जी वॉल एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी, और कुछ क्या होती है, कुछ वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो वापस एक दूसरी वेव शुरू हो जाती है, तो फिर दो वेव सुपरइम्पोज होती है, एक आगे आने वाली और एक पीछे जाने वाली, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे। एक और चीज देखिए, क्या चीज, इंपीडेंस, कौन सा इंपीडेंस, नहीं वो जरा देखो, वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, वो कोई साइड नहीं है उसमें, इसमें बस मैं ये बोलूंगा कि भाई जो मेरा फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव उसका जो इंपीडेंस है उसको जेड सी इंपीडेंस नजर आ रहा है, ठीक है, बैकवर्ड को माइनस जेड सी आ रहा है, डायरेक्शन का कोई मतलब कि किधर क्या है, ठीक है, बस ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, कहीं लोकेटेड नहीं होता लाइन, ये कहीं पे रखा नहीं होता कि भाई लाइन में यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लाइन की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी ना मुझे नजर आ रही है, ठीक है ना, तो वो एक तरह से लाइन के अंदर ही है, आर एल सी जी उनसे मिलकर बनाई है, और आर एल सी जी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, ठीक है ना। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिएगा, मैं एक दो क्वेश्चन कर रहा था ना, तो अभी तक जो हमने पढ़ाया उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन, 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 300 किलोमीटर हैज ए टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ 40 + j 125, ये टोटल सीरीज इंपीडेंस है, पूरी लेंथ का है, इसका मतलब इसमें पर यूनिट लेंथ इसने नहीं निकाला, पूरी लेंथ का है, ठीक है। एंड टोटल संट एडमिटेंस, टोटल संट एडमिटेंस इसने दे रखा है, विच इज 10⁻³ मो, ये टोटल संट एडमिटेंस है। द रिसीविंग एंड लोड इज, रिसीविंग एंड लोड, लोड जो दे रखा है वो दे रखा है 50 मेगावाट एट 220 किलोवाट विद 0.8 लैगिंग, विद 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है भाई, ये लोड लगा रखा है रिसीविंग एंड पे। फाइंड द सेंडिंग एंड वोल्टेज, फाइंड सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस, दूसरा करंट सेंडिंग एंड करंट, पावर एंड पावर फैक्टर, सेंडिंग एंड पावर एंड पावर फैक्टर एट सेंडिंग एंड, यूज किया आपको पता नहीं, ठीक है, यूजिंग पहले केस में, सुनिए पहले केस में बताना है, ये सारी चीज बतानी है, यूजिंग शॉर्ट लाइन अप्रोच, अगर मैं इसको शॉर्ट लाइन अप्रोच से करूं तो आप बताना शॉर्ट लाइन में क्या करोगे, वाई को क्या कर दोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है, वाई आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट लाइन अप्रोच। दूसरा नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल पाई मेथड कौन सा लोगे फिर, मीडियम वाला, वाई और जेड से आप निकालोगे ना, नॉमिनल पाई वाला, ठीक है, नॉमिनल पाई मेथड। दूसरा
एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन है, एग्जैक्ट कौन सी है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये 250 से ज्यादा होगी ना, ठीक है भाई। तो आपको बता रहे हैं कि क्या होगा और फिर आंसर कंपेयर कर रहे हैं, आंसर कंपेयर। वैसे आप शॉर्ट छोड़ो और नॉमिनल पाई भी छोड़ दो, मैं चाहता हूं एग्जैक्ट से पहले करो, आप एग्जैक्ट से कीजिए, एग्जैक्ट निकालिए क्या है, एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन से कीजिए। अगर आपके पास एबीसीडी पैरामीटर आ गए ना तो आ जाएंगे वीएसआईएस, आपको वीआर पता है और आईआर भी पता है, यहां से आईआर भी निकल आएगा, ठीक है। इसके एबीसीडी पैरामीटर निकाल लो, और एबीसीडी पैरामीटर के लिए क्या चाहिए मुझे, गामा, गामा चाहिए, और गामा कैसे निकलेगा, आर प्लस जे ओमेगा आपको दे रखा है और जी प्लस जे ओमेगा सी आपको दे रखा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आर प्लस जे ओमेगा तो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस होते हैं, और इसमें क्या किया इसने, टोटल निकाल दिया है, तो जरा सोचिएगा क्या करना पड़ेगा मुझे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए, करो ठीक है। मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि गलती ना हो, निकालिए, ट्राई कीजिए। गामा कितना है, गामा निकाला है, क्या निकाल सकता हूँ, मेरे पास गामा नहीं, गामा है 1362 एंगल 81.22 एंगल 81.22 करें। देखो भाई मैं बता दूं आपको, गामा क्या होता है, गामा एक मिनट रुको, गामा इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी, ये होता है। तो ये दे रखा आपको, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें आर और एल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर यूनिट लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें तो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर का पूरा दे रखा आपको, इसलिए मैं इसको बोलूंगा क्योंकि इनके साथ एल मल्टीप्लाइड है तो ये बन जाएगा मेरा गामा एल, ठीक है, पूरा पूरा एल लेंथ, एल इज कंप्लीट लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ, तो क्या बनेगा, वो बनेगा रूट ऑफ 40 प्लस जे 125 एंड 10 इज वन माइनस 3, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज, मैं मान के चल रहा हूं कि इनका आर एंगल थीटा में लिख लो ना, तो उसका रूट निकालना मेरे लिए आसान काम, आर एंगल थीटा से लिखोगे तो रूट निकालना आसान, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा सुनो, इससे मेरे पास गामा एल जो आएगा वो कितना आएगा, 0.362 एट एन एंगल ऑफ 81.2 इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, अल्फा एल प्लस जे बीटा एल, मैंने वही तो बोला, एल से मल्टीप्लाई निकाल करके निकाल लिया ना मैंने, ठीक है, हाँ जी, अल्फा एल प्लस जे बीटा एल आ जाएगा, बताओ क्या आएगा इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अल्फा एल और जे बीटा एल क्या निकल आएगा, अभी बोलो अल्फा एल कितना आएगा और बीटा एल कितना आएगा, बीटा एल आएगा 0.3577, बीटा एल आएगा 0.3577 और अल्फा एल कितना आएगा, रियल पार्ट 0.055, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, मेरे पास इक्वेशन ऐसी कुछ थी, रियल इक्वल टू v प्लस e की पावर गामा एल माइनस v माइनस e की पावर माइनस गामा एल, याद है आपको ऐसी थी। और आई एल इक्वल टू कुछ इस तरह से था, है ना, तो वी एल, एल को अगर मैं कंप्लीट लेंथ रखूंगा तो सुनो क्या बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो सोर्स एंड पे आ जाएगा, अगर एल को पूरा रखूंगा जो भी टोटल लेंथ है, अगर एल को टोटल लेंथ मान लू तो सोर्स एंड की वोल्टेज आ जाएगी, क्या कहते हैं, और ये मुझे पता है गामा एल, तो इनकी वैल्यू निकालना मेरे लिए आसान काम होगा, बट वी प्लस वी माइनस की वैल्यू नहीं पता। या फिर आपको याद होगा हमारे पास एक वो हमने एबीसीडी पैरामीटर से निकाला था, वी एस आई एस इक्वल टू क्या था, बता दो, वी एस क्या था, कोस हाइपरबोलिक गामा एल वी आर प्लस
ZC sin hyperbolic of L I, ठीक है। अब VR IR मुझे पता है, मुझे cos hyperbolic of L चाहिए और sin hyper, ZC भी आ जाएगा मेरे पास। ZC कैसे आएगा बताओ जरा, ZC क्या होता है? ZC होता है root of R plus j omega divided by G plus j omega C, तो डायरेक्टली यहां से आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें L नहीं आएगा ना, क्योंकि रेशियो है ये, तो रेशियो में ये भी एल से मल्टीप्लाइड है, ये भी एल से मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? अब समझ रहे हो ना, जेड सी क्या आएगा? 40 प्लस जे 50 डिवाइड बाई जे 10 स्क्वायर माइनस 3। सही बात है, बोलो। यहां पे एल से मल्टीप्लाई नहीं आएगा ये, क्योंकि एल से ये और ये दोनों, तो दोनों मल्टीप्लाई कट जाएगा भाई, ठीक है, रेशियो है। यहां से जेड सी भी आ जाएगा मेरे पास, पर मुझे चाहिए कोस हाइपरबोलिक गामा एल एंड साइन हाइपरबोलिक गामा एल, मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब ये कैसे निकाले भाई, सुनिए, cos hyperbolic gamma l और sin hyperbolic gamma l इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए, सुनिए वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे ABCD पैरामीटर मुझे पता है इसके, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं cos hyperbolic gamma l कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा जरा देखिए। उसको लिख सकता हूं e की पावर गामा एल प्लस e की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई 2, सही बात है, और मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर अल्फा एल इंटू e की पावर जे बीटा एल प्लस माइनस अल्फा एल इंटू e की पावर माइनस जे बीटा एल और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो मैं कह सकता हूं दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज फेज, बट ये फेज रेडियन में आएगा, एंड अगेन दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द फेज, तो इसको मैं आर एंगल थीटा में भी दिखा सकता हूं। कैसे खोले? आयटा गामा एल लिख लो, फिर कोस वाली प्रॉपर्टी लगा दो, कोस आयटा गामा एल लिख ले, कोस हाइपरबोलिक गामा एल क्या हुआ, कोस आयटा, वैसे भी खोल के कर सकते हैं, गामा की जगह अल्फा प्लस जे बीटा लिख के और उससे खोल लो, वो भी ठीक है, ठीक है, इसके लिए अल्फा प्लस जे बीटा कर लो, बट प्रॉब्लम फिर से आई है, हाइपरबोलिक तो फिर भी रहेगा उसमें, आयटा तो रिप्लेस हो जाएगा, आयटा वाला इमेजिनरी पार्ट रिप्लेस हो जाएगा, बट जो रियल पार्ट अल्फा है उसका क्या करोगे? देखो ये ज्यादा आसान तरीका है, तो प्लस ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस अल्फा एल माइनस एंगल माइनस बीटा, इसका ऐसा लिख लो ना, ठीक है, इसको खोल के मैंने इसका मैग्नीट्यूड और एंगल ये लिख दिया, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, अल्फा की वैल्यू मुझे पता है और बीटा भी पता है, बट बीटा जो है वो रेडियन में है, ठीक है, ये रेडियन पर यूनिट लेंथ होता है, रेडियन पर मीटर होता है, ठीक है, तो बीटा एल जो आएगा, बीटा होता है फेज कांस्टेंट, आप लिखो बीटा क्या होता है, बीटा इज फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, सुनो बीटा की वैल्यू क्या होती है, सुनो बीटा होता है फेज कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है अगर मैं यूनिट लेंथ चलूंगा तो कितना फेज में बदलाव आएगा, चेंज इन फेज पर यूनिट लेंथ को बताता है, कि अगर मैं यूनिट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन पे चलूं तो जो सिग्नल मैंने उसके ऊपर डाला है उसके फेज में कितना बदलाव आएगा। अब मुझे एक बात आओ, मैं जानता हूं कि 2π मैं जानता हूं कि लैम्डा अगर मैं डिस्टेंस चलूंगा तो फेज में चेंज ऑलवेज कितना होता है 2π, तो इसका मतलब अगर मैं लैम्डा लेंथ चलूंगा तो फेज में ऑलवेज चेंज होता है 2π, और यूनिट लेंथ चलूंगा तो 2π बाय लैम्डा, इसका मतलब बीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 2π बाय लैम्डा, हमेशा याद बीटा इज 2π बाय लैम्डा, बीटा इज फेज चेंज पर यूनिट लेंथ। अब जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो हमें देखना होता है कि लैम्डा मतलब यूनिट लेंथ अगर वो चल रही है तो कितना फेज में बदलाव आएगा, तो मैंने बोला कि मैं जानता हूं कि लैम्डा लेंथ चलूंगा तो 2π का फेज चेंज होता है, तो यूनिट लेंथ चलूंगा कितना होगा 2π बाय लैम्डा, क्या 2π बाय लैम्डा, तो बीटा इक्वल टू 2π बाय लैम्डा, ये बन गया, ठीक है, बीटा इक्वल टू 2π बाय लैम्डा। एनीवे और ये किसमें होता है, ये होता है रेडियन पर मीटर, इसकी यूनिट, तो इसका मतलब आप एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बता जरा, ये रेडियन, इतना रेडियन चेंज आएगा टोटल, बट मुझे तो डिग्री में चाहिए, मुझे यहाँ पे डिग्री में चाहिए, ठीक है, समझ गए हो, तो आप बताओ इसकी वैल्यू पुट करो और बताओ कोस हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दो और इसको डिग्री में लिख लो, ये तो कैलकुलेटर कर देगा अपना, ठीक है, करो भाई इसको डिग्री में कन्वर्ट करो ना, कैसे करें डिग्री में, 180/5 कितना डिग्री हो जाएगी,
तो एक कोस आवे ऐसे साइन हाइपरबोलिक निकालना होता तो क्या करते साइन हाइपरबोलिक करवाए में क्या हो जाएगा बता जरा माइनस आ जाएगा यहां पे मेरे ख्याल से माइनस आ जाएगा माइनस आ जाएगा समझ रहे हैं यहां पे माइनस आ जाएगा ठीक है जी ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक का मान ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक बीटा तो गामा से आ गया था ना तो गामा से कहा क्या सेम आएगा और क्या हाँ जी करो भाई इससे क्या बनेगा एक बार एल्फा पुट कर दो बीटा साइन आप दोनों आ जाएंगे और ये पुट कर दो यहाँ पे VR और IR कैसे निकालोगे VR तो मुझे पता है क्या है लाइन वोल्टेज ये रखिए ठीक है और IR क्या आएगा लाइन करंट क्या आएगा वैसे आप फेज से भी निकाल सकते हो पर फेज निकाल लो तो फेज वोल्टेज क्या रखता हो रिसीविंग एंड पे 220 बाई रूट 3 किलो वोल्ट ये तो मेरी रिसीविंग एंड की फेज वोल्टेज है अब फेज करंट क्या आएगा तो लाइन करंट होगा वही फेज करंट होगा क्योंकि स्टार में अज्यूम करके चलते सब लोग तो बताओ पावर दे रखी है मेरे पास 500 डिवाइड बाय 0.8 ठीक है ये तो एमवीए 500 डिवाइड बाय 0.8 इनटू 10 पावर 6 इतनी तो एमवीए पावर है इसको डिवाइड कर दो किससे डिवाइड बाय रूट 3 वीएल रूट 3 इनटू 220 इनटू 10 पावर 3 इसे डिवाइड कर दो आईएल आ जाएगा रूट 3 वीएल आईएल होती ना अपेरेंट पावर तो रूट 3 और वीएल और नीचे ले आओ ठीक है भाई आईएल आ जाएगा आईएल ही आई फेज होता है स्टार में ठीक है तो आप निकाल लो रिसीविंग एंड पे करंट कितना आएगा रिसीविंग एंड की वोल्टेज क्या आएगी लेकिन ये पर फेज है तो उससे जवाब ये पुट करोगे तो उससे ये आंसर जो आएगा ये भी क्या आएगा पर फेज आंसर आएगा ठीक है आप निकालो इन दोनों की वैल्यू निकालो और पुट करो जरा इसमें अच्छा वीआर को एंगल 0 पे मान लो वीआर को एंगल 0 पे मान लो आईआर का एंगल कितना हो जाएगा लैग करेगा ना ये माइनस कितना माइनस 37 डिग्री जो भी आएगा जी कह रहा है 0.8 का मतलब कितना होता है cos 0.8 वो अपने आप कवर हो गया हमें नहीं पता एल क्या है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अपने को तो डायरेक्टली एल की वैल्यू पुट करनी पड़ी पूरी लेंथ एल मान लो अब वो मीटर में किलोमीटर हमें क्या दे रहा है अल्टीमेटली बात भी एल का पुट हुआ है हाँ जी बताओ क्या बनाइए वीएस क्या आएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालिए क्या है आपको समझ आया क्या मैंने किलोमीटर से डिवाइड नहीं किया डायरेक्टली एल इसको एल मान लिया मैंने दिस इज एल तो एल से मल्टीप्लाइड है भाई टोटल इंपेडेंस दे रखा तो यहां से गामा एल आ गया पर गामा नहीं आया गामा एल आ गया तो से अल्फा एल और जे बीटा एल आ गया ठीक है और फिर मैंने कोस हाइपरबोलिक गामा साइन हाइपरबोलिक गामा निकाल के और यहां पे इसकी इसकी इक्वेशन में पुट कर दी बताओ अभी क्या बना वीएस बताइए क्या है जल्दी करें आई थिंक कोस हाइपरबोलिक गामा इज 0.938 0.938 एंगल इज 1.2 डिग्री And the sine hyperbolic gamma L is 0.354 angle 81.36 81.39 कि सोर्स साइड पे क्या भार बैठ रहा है वही तो पूछा आपसे क्वेश्चन में ठीक है हाँ जी तो बताइए क्या बना वीएस और आईएस दोनों निकालो आईएस कैसे निकलेगा बताओ जरा आईएस आएगा 1/ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल वीआर प्लस कोस हाइपरबोलिक गामा एल आई ये बने ठीक है भाई करें जरा आज दोस्तों
नहीं हुआ क्या? इतने देर का तो क्वेश्चन नहीं था, एक बार ये निकला कोस और साइन हाइपरबोलिक का मान निकला है, उसके बाद तो क्वेश्चन ही इतनी देर का नहीं था, वी आर आई आर तुम्हारे निकाल ही रखा है। वीएस मैं बताऊं क्या है, जल्दी करो यार, इतना टाइम थोड़ी ना है यार, आप तो एकदम हर केस में सेम ही आएगा पावर वेक्टर, ठीक है? आप निकालो क्वेश्चन पूरा करो। सर,
अपने इसका तो बता दिए फेज वोल्टेज में माइनस 30 करेंगे अगर हमने लाइन करंट निकाला तो उसमें भी तो प्लस नहीं उसमें कुछ नहीं होता स्टार में क्या होता है स्टार में लाइन करंट फेज करंट क्या होता है सेम होता है तो फिर क्यों करेंगे प्लस 30 ये सब पता होना चाहिए और सिस्टम पढ़ने लग गए ठीक है हाँ जी ये सब अभी जानकारी नहीं है बताओ इसका तो पढ़ते नहीं हो करें भी करंट और निकाल दो सारा काम हो जाएगा फेज करंट या लाइन करंट जो भी है वो निकाल दो और पावर फैक्टर ऑलवेज फेज से देखेंगे ध्यान रखिएगा पावर फैक्टर लाइन वोल्टेज लाइन करंट से नहीं देखेंगे फेज वोल्टेज फेज करंट से देखेंगे क्या लाइन वोल्टेज से कर तो दिया 30 डिग्री फिर भी आप इसके साथ फेज डिफरेंस नहीं देखोगे ऑलवेज फेज के साथ देखना होता है पावर फैक्टर ठीक है आप लाइन में तो 30 डिग्री का फिर गैप आएगा फिर अदरवाइज क्योंकि जो लाइन करंट है और फेज करंट है तो सेम ही है लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम नहीं है ना तो इसलिए एरर आएगा अगर आपने लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल निकाला तो गलत आंसर आएगा उससे इसलिए फेज में देखना होता है वोल्टेज ठीक है आप बताओ क्या है आंसर कितना आया क्या चीज आई सेंडिंग करंट कितना है अभी 129.0 इस करंट मेरे पास वैसे आंसर है 128.6 और एंगल कितना है बताओ जरा 15.3 अब सुनो भाई ये आपने सही किया अब मुझे बताइए फेज डिफरेंस किसके बीच फेज वोल्टेज एंड फेज करंट के बीच बताइए लीड कर रहा है करंट कितना डिग्री लीड कर रहा है बताओ माइनस कर रहा है जी 9.1 डिग्री लीड कर रहा है तो कोसाइन ले लो उसका तो बताओ पावर फैक्टर क्या आएगा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कितना आएगा 0.987 लीडिंग 0.987 लीडिंग ये आएगा 0.987 लीडिंग ये आएगा कोई दिक्कत तो नहीं है 0.987 लीडिंग कोई दिक्कत तो बताइए अगला बताइए अगला क्या पूछा था आपसे अगला क्या पूछा था बताओ पावर फैक्टर के बाद पावर तो मेरे ख्याल से वी फेज आ रखा है आई फेज आ रखा है तो उससे आप एक्टिव पावर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर √3VLIL कर दो VL आपको पता है IL पता है √3VLIL कर दो तो अपेरेंट पावर आ जाएगी और पावर फैक्टर आपने निकाल लिया पावर फैक्टर ऑलवेज किससे निकाला जाता है फेज वोल्टेज फेज करंट से गलती नहीं करनी है समझ आया ये ध्यान रखिए चलिए मेरे ख्याल से हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है तो पावर आप लिख लो जो सेंडिंग एंड पावर आएगी वो आएगी 52.15 मेगावाट फेज पावर निकाल लो एक्टिव 52.15 ठीक है 52.15 है तो ठीक है इतना करेक्ट है ठीक है भाई तो ये आपके पास पावर है क्लियर अब सुनो एक और चीज देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग इसमें आपने जो आपने एग्जैक्ट मेथड था उससे किया है ठीक है अगर मान लीजिए मैं इसको नॉमिनल टी या नॉमिनल पाई से करता क्या तब भी सेम आंसर जरा देखते सेम आंसर आता अगर अगर इसके एबीसीडी पैरामीटर इसके बराबर आ जाते इसके एबीसीडी पैरामीटर बताओ क्या है एग्जैक्ट वाले के कोस हाइपरबोलिक अमल जेड सी साइन हाइपरबोलिक अमल 1 बाय जेड सी गामा एल एंड कोस हाइपरबोलिक अमल ठीक है अगर मान लीजिए मैं इसका नॉमिनल पाई मेथड लेता हूं तो नॉमिनल पाई मेथड में आप बताओ एबीसीडी पैरामीटर क्या होते थे 1 प्लस वाई जेड बाई 2 एंड 1 प्लस वाई जेड बाई 2 ठीक है और यहां पे क्या होता था 1 प्लस क्या होता था इधर चेक कर लो क्या होता था है जी जेड इनटू वन प्लस वाई जेड बाई 4 ऐसा कुछ ठीक है भाई कुछ इस तरह का होता है ये एबीसीडी पैरामीटर होते हैं
ठीक है। अब सुनिए मुझे बात, अगर इसके एबीसीडी और इसके एबीसीडी सेम आ जाए तो समझ लो ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, चेक कर ले एबीसीडी क्या है। आपने पास कोस हाइपरबोलिक का आपने निकाला आंसर क्या था, कोस हाइपरबोलिक का 0.90 एंगल क्या था 1.21 जो भी था। एक काम करो ये पुट करके देखो, 1 plus y z by 2, y और पता है, y भी पता है, z भी पता है, 1 plus y z by 2 करके देखो, देखो इतना ही आ रहा है क्या। सर हमने पाई का लिख दिया, आपने t का लिख दिया, d के ये t का है क्या, पाई का लिखो, अभी पाई का बताओ, पाई का बताओ क्या ये उत्तर से ऊपर z आता है नीचे y इधर सिर्फ z आएगा और यहां पे क्या आएगा y से y से 1 plus y z by 4 y z by 4 देखो आप एनालॉजी से याद में रखो इसको ठीक है। तो ये भी सेम आएगा, इसका दोनों सेम हो, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ ये यहाँ पे जेड है और यहाँ पे क्या है, जेड सी साइन हाइपरबोलिक, अब बताओ जेड क्या है, जेड आपको ये दे रखा है, इसका आर एंगल थीटा निकाल लो, आर एंगल थीटा और यहां से जेड सी साइन हाइपरबोलिक का मैल ये करो तो उसके लिए जेड सी दिएगा, जेड सी आपको निकाल के काम में इससे डिफरेंट आ रहेगा, एक मिनट जरा चेक करो, मेरे हिसाब से तो डिफरेंट नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एक 131 कितना आ रहा है 2 समथिंग कुछ आ रहा है, एंगल कितना है, एंगल है 72.3, ये तो बी आ रहा है मेरा, ये जेड आ रहा है, और जेड सी साइन हाइपरबोलिक का मैल कितना आ रहा है 128.2 सुनिए भाई, ए तो सेम आ रहा है बट बी सेम नहीं आ रहा, अगर मैं नॉमिनल पाई मेथड यूज करूं तो, बट तकरीबन सेम ही तो है, थोड़ा मोड़ा एरर है, ज्यादा नहीं है ठीक है। अब सुनो उससे मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो एग्जैक्ट मेथड था वो और जो नॉमिनल पाई मेथड मैं यूज करता हूं, कौन से मेथड कहां यूज करता हूं, ये मीडियम ट्रांसफर लाइन दोनों से अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आंसर आएगा, वो इसलिए आएगा बिकॉज लाइन की लेंथ कितनी है 300 और मीडियम कब यूज करते हैं 250, तो 250 और 300 मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, थोड़ा बड़ा एरर आएगा अगर आप नॉमिनल पाई यूज करोगे तो उससे थोड़ा बड़ा एरर आएगा ठीक है। और आपने 300 किलोमीटर में लेकिन जो पाई और टी वाला है वो आपका अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर देगा, वो सेम देगा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। तो 300 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना लंबा होता चला जाएगा उतना वो क्या होते जाएंगे उनमें एरर आता चला जाएगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे, बहुत बढ़िया।